ਉਧਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੱਸਿਆ। 2017 में उनको नज़र आ रहा है कि उनकी सरकार जा रही है, इसलिए क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बजट जो है वो 1000 करोड़ के करीब उनका बजट है, तो एक संस्था को अपने कब्जे में रखने के लिए ये बिल पास कराया गया। इस बिल में 2003 से इसे पास कराया गया है, रेट्रोस्पेक्टिवली इस बिल को पास किया गया है, पिछली तारीख से इसको लागू किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो 2011 में इलेक्शन हुई है, जो हाउस 2011 में चुना था, जो डिफंक्ट हो गया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्मों से, उसको ये लोग दोबारा रिवाइव करके 5 साल के लिए उसको जिंदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जाएंगे, वहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या उसका फैसला करती है, क्या चुनाव दोबारा होते हैं या ये चुनाव ये जो हाउस है ये दोबारा रिवाइव होता है, ये मामला अभी वक्त ही बताएगा।